हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक मेरे लिए बहुत बड़ी कह सकता हूँ एक बैड न्यूज़ है, एक बुरी खबर है, क्योंकि आप सभी ने शायद देखा भी है कि नहीं देखा होगा, मेरे चैनल पर जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया है, जो कि ये मेरे लिए एक तरह से शॉकिंग था, चौंकाने वाला था। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे मेरे चैनल पर जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन जो है वो यूट्यूब की तरफ से आया है और स्ट्राइक है वो। इससे पहले कॉपीराइट तो मैंने देखा था शुरुआत में ही, जब मैंने फर्स्ट टाइम शुरुआत किया था अपने चैनल का, लगभग 1 हफ्ता 10 दिन में ही आ गया था मेरे चैनल स्टार्ट करने के। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकता हूँ डीमोटिवेट करने के लिए। हालांकि मैं बताऊंगा अभी कि मैं आखिर ये किस वजह से आया ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यूट्यूब की तरफ से। आप सबको पता है कि ये कितना, एक यूट्यूब जिसका भी चैनल है उसके लिए कितना ये एक तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर लगातार 4 बार इस तरह का कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है तो उसका चैनल परमानेंटली ख़त्म हो जाता है, समझ लो एक तरह से डिलीट हो जाता है। फिर उसका जो सारी मेहनत है वो बेकार हो जाता है, चाहे किसी के 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो, चाहे किसी के 1,000 सब्सक्राइबर हो, चाहे 50,000, चाहे 10,000। तो जो उनका क्या होता होगा जिसका 10 10 लाख, 5 5 लाख या उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, और उतनी मेहनत करने के बाद लगभग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करने के बाद उनका चैनल भी इस तरह से, एक तरह से कम्युनिटी गाइडलाइन आ करके उनका चैनल डिलीट हो जाए, तो इस तरह से होने से इंसान कई बार जो है वो डिमोटिवेट हो जाता है और सारी मेहनत जो है उसकी जो है वो बर्बाद हो जाती है। सो मैंने कॉपीराइट तो देखा है 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है मैंने पहली बार ये देखा, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इससे जुड़ा। और इसका प्रॉब्लम आखिर कैसे हुआ, क्यों मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन आया, और अगर आप भी अगर नए हो और YouTube पर आपका ब्लॉग चैनल है या और भी कोई भी तरह का चैनल हो, सो आपको लगता है कि इससे कैसे बचना है, तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। क्योंकि जिसे भी इस तरह का मामला जब फेस आता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का, तो वो काफ़ी सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है, और जिनको कभी नहीं आया है तो उनके लिए वो चीज़ नया होता है। तो मेरे लिए भी ये चीज़ नया था, तो मैंने ये चीज़ देखा, तो ये एक तरह से पहली बार था। हालांकि मैंने जिस तरह से रिसर्च और जानकारी हासिल की, मुझे ये पता चला कि यूट्यूब जो है लगभग पहला जो है वो वार्निंग कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देता है, उसके बाद फिर वो 3 स्ट्राइक पड़ता है अगर आप किसी भी तरह का वायलेंस करते हो, यूट्यूब के कम्युनिटी के खिलाफ काम करते हो, तो वो लगातार आपको फिर जो है वो स्ट्राइक मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्टेंट सही है, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं हो रहा है, तो किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है वो नहीं आता है। कॉपीराइट अलग है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वो अलग है। तो मैंने ये क्यों आया था, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी 3 4 दिन पहले ही एक शॉर्ट वीडियो डाला था, क्योंकि मैं एक 30 सेकेंड से लेकर के 35 सेकेंड या 40 सेकेंड का मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था। तो उसमें मैंने एक ये दिखाया था कि किस तरह से, मतलब एज अ फलस्तीन से रिलेटेड जो आर्मी है, जैसे कि गाज़ा में जो ये हो रहे थे, तो उससे रिलेटेड मैंने एक जो है वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना करके उसको शेयर किया था, और उस पर कुछ मैंने एक म्यूज़िक ऐड कर दिया था। सो उस वजह से जो है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मेरे इस शॉर्ट वीडियो से कुछ नुकसान ना हो जाए, किसी भी तरह कॉपीराइट वगैरह या स्ट्राइक वगैरह। हालांकि मैंने सिर्फ थोड़ा मेरे अंदर ये चीज़ महसूस लग रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने अपलोड करने के बाद उसको, जैसे ही मैंने अपलोड किया, मैंने 5 से 10 मिनट बाद ये रियलाइज़ किया कि मुझे लगता है इसे डिलीट कर देना चाहिए। तो मैंने तुरंत ही उसे 5 से 10 मिनट के अंदर में ही उसे फिर डिलीट भी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी YouTube ने मुझे अगले दिन कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, या कॉपीराइट बोल सकते हैं, या इसको असल में ये है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, जो YouTube का जो कुछ आपको पॉलिसी होता है, अगर उसके खिलाफ अगर काम करते हैं तो उसके हिसाब से वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है वो अपने हर यूट्यूबर्स को जो है वो भेजता है। सो उसी तरह से मुझे भी फेस करना पड़ा। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, मैंने तो अपलोड करने के तुरंत बाद ही उसे डिलीट कर दिया है। हालांकि मैंने जब उसे मैं पढ़ा, तो शायद अपलोड कर देने के बाद वो चीज़ डिटेक्ट हो जाता है, अगर आप डिलीट भी कर देते अपलोड करने के बाद, तो उस चीज़ का वायलेंस के लिए अगले दिन भी, क्योंकि आज मैंने उसे डिलीट किया, उसके एक दिन बाद
सपोज एक दिन बाद या दो दिन बाद ही उसने मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दिया और हमारा चैनल जो है वो जो मोनेटाइजेशन है उसका वो डिसेबल हो गया। तो इसके लिए मुझे थोड़ा देर के लिए काफ़ी मुझे परेशानी हुआ कि अब मैं क्या करूं। एक तरह से काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आप जानते ही हो व्लॉग चैनल जो है उसमें कितना टाइम जो है, और उसके साथ साथ आपको अपना पर्सनली जो है वो पैसा भी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जब आपसे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है और आपको रेवेन्यू जनरेट ना होने के बाद भी आप पूरी तरह से मेहनत करते हो, घर से लेकर बाहर तक हर जगह जगह डिफरेंट प्लेस पे जाते हो और व्लॉग शूट करके जो है इस तरह से मेहनत करके अपना जो चैनल जो है वो ग्रो करने की कोशिश करते हो। सो इतना करने के बावजूद भी इस तरह से जब ये हो जाता है स्ट्राइक वगैरह और कॉपीराइट ये सब, तो इसमें थोड़ा सा इंसान डिमोटिव हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा दिक्कत है, तो मुझे थोड़ा सा यही दिक्कत हुई। खैर इसके लिए अभी मैंने सोल्यूशन ये किया कि पहला था तो ये मुझे आने वाले कल के लिए एक तरह से इसमें सीख है कि मुझे अब जो है काफ़ी सोच समझ के करना होगा, क्योंकि इसने मुझे पहला वार्निंग जो है वो दे दिया है। इसके बाद जो है वो तीन जो है वो लास्ट होता है, मतलब तीन इसके बाद अगर हो जाता है तो परमानेंटली चैनल जो है वो डिलीट हो जाता है। तो ये एक सोचने वाली बात है, तो आगे काफ़ी ध्यान देकर करना होगा। अब इसने मुझे तो स्ट्राइक दे दिया है, और अगर आप मेरे चैनल पर मेरे डैशबोर्ड पर देखोगे तो हो सकता हो आपको दिखेगा वहाँ पर वार्निंग से रिलेटेड येलो कलर का। सो अब मैं इसको इनेबल कैसे करूँ जो मेरा चैनल जो है वो डिसेबल हो गया मोनेटाइजेशन, क्योंकि जिस तरह से आप YT स्टूडियो में सारा चीज़ चेक करते हो अपने वीडियोस से परफॉर्मेंस वगैरह, तो उसमें आपका ऑप्शन भी होता है अर्निंग में। तो अर्निंग पेज में मुझे साफ कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है। सो मैं आपको दिखा सकता हूँ स्क्रीनशॉट, और मैं आपको यहाँ पर वो भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि YouTube जो है वो किस तरह का जो है एक पेज जो है उसने शो किया है, क्योंकि जिस तरह से कम्युनिटी गाइडलाइन जो उसने मुझे दिया है तो इसमें क्या क्या है ये चीज़ें आप देख सकते हो पढ़ सकते हो। सो ये एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से रिलेटेड ये पेज है जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाया, तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। अब मैंने इसको कैसे इसको ठीक करना था, तो यूट्यूब ने एक तरह से मुझे एक टास्क दिया है, तो मैंने उसी समय उस टास्क जो है वो कंप्लीट किया, जिसमें से उसने 6-7 क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछे, तो उसको पढ़ करके ही, क्योंकि अगर आप में से भी किसी को भी ऐसा फेस हुआ है या आपके, मैं तो चाहूँगा ऐसा किसी तरह किसी को फेस ना करना पड़े, क्योंकि इसमें मेहनत काफ़ी अच्छी खासी लगती है। सो इसीलिए अपने आप को बचा के रखें कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना आए। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एपिसोड में शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने जो है वो 6-7 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर उसके बाद तब जा करके यूट्यूब ने एक कंडीशन बनाया है कि आफ्टर 90 डेज़ के बाद ये जो है इनेबल हो जाएगा। अब देखना ये है कि लगभग यानी कि 3 महीने, अगले 3 महीने तक जो है किसी भी तरह का जो है वो हमारा चैनल से जुड़ा जो अर्निंग किस जो जो जुड़ा सेक्शन होता है उस पर किसी भी तरह का कोई चीज़ मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ना ही अपना वॉच टाइम देख पा रहा हूँ, ना ही उसमें अपना ये सब्सक्राइबर कितने होते हैं। वैसे तो डैशबोर्ड में मैं देख लेता हूँ, लेकिन अर्निंग में आपको बहुत सारी चीज़ दिखाते हैं कि आपका वॉच टाइम कितना हुआ है, तो मैं वो वॉच टाइम अभी नहीं देख पाऊँगा अगले 3 महीने तक। तो 3 महीने तक बिना कोई देखे हुए मुझे जो है अपना उस पर काम करना होगा। आफ्टर 3 महीने के बाद, 90 दिन के बाद देखते हैं फिर क्या होता है, और जैसा कुछ होगा इससे रिलेटेड मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूंगा। सो ये एक प्रॉब्लम है, तो खैर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि मुझे अगले 90 डेज़ तक, और सबसे बड़ी बात एक कंडीशन ये रखा यूट्यूब ने कि इस 90 डेज़ के अंदर में किसी भी तरह का कोई वीडियोज़ पर मुझे कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, तो और भी मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक दिक्कत है कि मुझे अगले 90 डेज़ तक हर वीडियोस को काफ़ी सही तरीके से समझ करके, ऐसा मतलब शॉर्ट हो वीडियो हो या फिर लॉन्ग वीडियो हो, ऐसा समझ करके अपलोड करना होगा ताकि उस पर किसी भी तरह कॉपीराइट ना आए। अगर आता है तो फिर और भी सारे प्रॉब्लम जो है वो झेलना पड़ सकता है। तो काफ़ी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है यूट्यूब पर काम करते हुए हर चीज़ का ध्यान देना। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता, इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे आप देखोगे शॉर्ट वीडियो है, इसमें बहुत सारा ऐसे मतलब जंग से रिलेटेड, टेररिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे जो है शॉर्ट वीडियो मिलते हैं, उनका किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं वो चल रहा है। अब क्या पता मेरा ऐसा ब्लॉग चैनल है तो मैंने थोड़ा सा मतलब वार से जुड़ा रिलेटेड शॉर्ट भी डाल दिया, तो हो सकता है मैं भी इससे हुआ हो। सो मुझे जहाँ तक जितनी समझदारी थी वो चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की, और जो चीज़ मुझे प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। सो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, जय हिंद, खुदा हाफिज़।